तो इस तरीके के ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर VN वीडियो एडिटर ऐप का लिंक दिया हुआ है। सो आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद जस्ट इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको रील्स वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस रील्स वीडियो को डाउनलोड कर लोगे। अगर आपको रील्स डाउनलोड नहीं करने आता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि रील्स वीडियो डाउनलोड कैसे किया जाता है। अब उस रील्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने एक प्रोसेसिंग का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले आपको आ जाना है वीडियो के एंड में, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पार्ट पर क्लिक करके इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर दोगे। अब आपको यहाँ पर इस वीडियो का म्यूजिक म्यूट कर देना है। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन आपका म्यूजिक जो है वो म्यूट हो जाएगा। अब इसमें हमको ऊपर से म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन म्यूजिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे आना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है, एंड आपने जो रील्स वीडियो डाउनलोड किया था उस रील्स वीडियो को फिर से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने इसको सेलेक्ट करके ओके कर रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पर हमारा म्यूजिक देखने को मिल रहा होगा। देन चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको म्यूजिक बीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ इस म्यूजिक बीट के अंदर कुछ बीट ऐड करना है। सो बीट ऐड करने के लिए मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ, किस किस टाइमिंग पे आपको बीट ऐड करना है। तो सबसे फर्स्ट बीट हमारा 3.40 सेकंड पर ऐड करना है। आपको 3.40 सेकंड पर आना है और इस झंडे पर क्लिक करना है, तो आपका एक बीट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे ही फिर से 4.05 सेकंड पर आना है, एंड आपको यहाँ पर दूसरा बीट ऐड कर लेना है। फिर से आपको थर्ड बीट पर 4.72 सेकेंड पर आना है और आपको तीसरा बीट ऐड करना है। उसके बाद आपको 5.40 सेकेंड पर आना है और आपको चौथा बीट ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको 5.92 सेकेंड पर आना है और आपको यहां पर पांचवा बीट ऐड कर लेना है। आपको पांचवा बीट ऐड करने के बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से यहां पर ओके कर देना है। तो आपके म्यूजिक जो है वो ऐड हो चुका है, एंड म्यूजिक में हमारा बीट भी ऐड हो चुका है। तो अब आपको करना है क्या, सो अब आपको फर्स्ट बीट पर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पर जो स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन अब आपको सेकेंड बीट पर क्लिक करना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन अब आपको थर्ड वाले बीट पर क्लिक करना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको फोर्थ वाले बीट पर क्लिक करना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको फिफ्थ वाले बीट पर क्लिक करना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को पाँच भाग में कट कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा वीडियो यहाँ पर कट हो चुका है। अब इसमें हम अपना फ़ोटो ऐड करेंगे। सो फोटो ऐड करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट फ़ोटो पे आना है, एंड आप लोग यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा कि आपको वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा आसानी मिल सके। फर्स्ट फ़ोटो पे आने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करना है, देन आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। देन अब आपको फ़ोटो वाले सेक्शन में आ जाना है, एंड आपको यहाँ से जो भी फ़ोटो ऐड करना है उस फोटो को आप लोग सेलेक्ट करोगे। देन अब आपको सेकेंड फ़ोटो पर आना है, फिर से क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर आना है, फ़ोटो वाले सेक्शन में आना है, एंड फ़ोटो यहां से एक सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड फ़ोटो पे आना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, फ़ोटो पे आना है, आपको यहां से एक और फ़ोटो ऐड कर लेना है। इसी तरीके से आपको फिर से अगले फ़ोटो पे आना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, फ़ोटो वाले सेक्शन में आना है, एंड यहाँ से एक फ़ोटो ऐड करना है। अब आपको यहाँ पर लास्ट में भी ऐसे ही करके अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा पाँचों फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इस फोटो में हम लोग इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। सो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट फ़ोटो पे आ जाना है, एंड आपको इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर एक जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिलता है, सो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे, एंड इसको ओवरऑल कवर कर लेना है, एंड आपको यहाँ पर इसको अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, आपको अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये इफेक्ट हमारे सारे फ़ोटो के अंदर ऐड हो चुका है, बट ये वीडियो के भी अंदर ऐड हो गया है। तो हम लोग इसको यहाँ से फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे,
एंड यहाँ पर हम लोग नन करके ओनली टिक करेंगे, ओनली हमको वीडियो पे आके टिक करना है। तो अब हमारा जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडिटिंग हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो एडिटिंग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो एडिटिंग अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो एडिटिंग बताता हूँ वो स्टेप बाई स्टेप आपको समझाता भी हूँ। अब इस वीडियो को गैलरी में लेके जाने के लिए आपको ऊपर इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपका यहाँ पर 100% हो जाएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको VN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर वीडियो एडिट करने नहीं आता तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में VN का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देखकर सीख सकते हो कि VN वीडियो एडिटर ऐप के अंदर वीडियो कैसे एडिट किया जाता है।